अस्सलामुअलैकुम, इजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज की जो वीडियो है वो वाइटनिंग के हवाले से है कि आप रमज़ान में जो है अपना कलर कैसे निखारें कि ईद तक जो है वो आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो जाए और साथ दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएँ और ईद तक आपके फेस पर एक नया निखार आ जाए। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए ग्लिसरीन, ठीक है। इसके फ़वाद तो हैरत अंगेज़ हैं और सबको पता है कि ये एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र भी है, ठीक है। इसे जिस भी चीज़ में शामिल किया जाए ये उसकी खूबियों को डबल कर देती है, ठीक है। ये हमें चाहिए और इसके साथ साथ हमें चाहिए खीरे का रस चाहिए। खीरे के बारे में भी आप जानते ही हैं कि विटामिंस का ख़जाना है। ये डार्कर एरिया जितने भी होते हैं उनको लाइट करने में ये हेल्प करता है और इसके साथ साथ ये एक कुदरती ब्लीच का काम भी करता है। और हमें चाहिए लेमन। आपको पता ही है कि लेमन जो है वो जिल्द को साफ़ करने के साथ साथ जो है वो जो इजाफी चिकनाई होती है उसको भी ख़त्म करने में हमारी हेल्प करता है। और इसके साथ जो हमारी जिल्द के ऊपर ख़ारिश होती है या दाने निकल आते हैं तो उनको ख़त्म करने में भी ये हेल्प करता है। और रोज़ वाटर है, ठीक है। तो आपको तो पता ही है कि जिल्द के मुख्तलिफ मसाइल के लिए जो है वो इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसे अगर आप बाकायदगी से फेस पर इस्तेमाल करें तो आपका कलर इससे भी बहुत ज़्यादा निखर जाता है। तो चलिए मैं आप बताती हूँ कि हमें ये चीज़ें कितनी कितनी चाहिए। तो एक बड़ा चम्मच हमें चाहिए खीरे का पानी, ठीक है। ये रस कह लें, पानी कह लें, ये रोज़ वाटर अब मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देख सकते हैं 1 टीस्पून है, ठीक है। 1 टीस्पून हमें चाहिए रोज़ वाटर। ये रोज़ वाटर हमने इसमें डाल दिया। अब हमें चाहिए लेमन, 1 टीस्पून ही हमें लेमन चाहिए। ठीक है, ये 1 टीस्पून हमने इसमें लेमन ऐड कर दिया है और ग्लिसरीन हमें 1 टीस्पून ही चाहिए। तो लेमन जिन लोगों को सूट नहीं करता वो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्लिसरीन है, ये हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, ये तो जिनकी ऑयली स्किन है ये उनके लिए है। तो अब जिनकी ड्राई स्किन है तो वो इसमें जो है ग्लिसरीन ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, यानी कि 1 टेबल स्पून ये कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने डाला है तो आप इसको 1 टेबल स्पून कर सकते हैं। आप इसको किसी भी बॉटल में भर के रख लें और डेली अपने फेस पे लगाएं, ठीक है। रात के टाइम अपना फेस वॉश करें और इसको लगाएं। बहुत जल्द जो है वो आपका फेस इंशाल्लाह इससे जो है वो वाइट भी हो जाएगा। इसका आप स्प्रे में किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल लें, ठीक है, अपने फेस पे स्प्रे कर लें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।